अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आपको बिरयानी बनाना सिखाऊंगी। इसके इंग्रेडिएंट आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। बिरयानी का कोरमा बनाने के लिए हम सबसे पहले पॉट में ऑयल डालेंगे। अब हम इसमें 4 अदद मीडियम साइज़ प्याज डाल देंगे और इसे गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुकी है, अब हम इसमें 4 अदद मीडियम साइज टोमेटो ऐड कर लेंगे। इसी के साथ 1 कप दही भी ऐड कर लेंगे। अब हम इसमें 2 चमचे अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे और साथ ही बिरयानी का मसाला को भी ऐड कर देंगे। अब हम मसाले को भून लेंगे। मसाला भून चुका है, अब हम इसमें चिकन ऐड कर लेंगे। अब हम बिरयानी के कोरमे को कवर करके हल्के चूल्हे पे चिकन गलने तक पकने छोड़ दें। बिरयानी का कोरमा रेडी हो गया है, अब हम चूल्हा बंद कर देंगे और इसको साइड पे रख देंगे। 1/2 kg सेला राइस लेंगे हम, इसे वॉश करके कम से कम 1 घंटे के लिए भिगो देंगे। चावलों को भीगे हुए 1 घंटा हो चुका है, अब हम इसमें थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे, नमक हसबे जायका ऐड करेंगे और इसे बॉयल होने के लिए रख देंगे। चावल बॉयल हो चुके हैं, अब हम इसमें कोरमे की लेयर लगा देंगे। अब हम इसमें से आधे चावल निकाल लेंगे और बिरयानी का जो कोरमा हमने रेडी किया था उसकी लेयर लगा देंगे। कोरमे की लेयर हमने लगा दी है, अब हम इसके ऊपर बाकी बचे हुए चावल भी ऐड कर देंगे। वन फोर्थ कप हम दूध लेंगे, इसमें थोड़ा सा ज़ाफ़रानी रंग ऐड करेंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। अब हम इसके ऊपर ज़ाफ़रानी रंग ऐड करेंगे। फ्राई प्याज, पुदीना, हरी मिर्ची और टमाटर ऐड कर देंगे। अब इसे कवर करके दम पे रख देंगे। 20 मिनट हो गए बिरयानी को दम लगते हुए, अब हम इसको चमचे की मदद से हल्का हल्का मिक्स कर देंगे। अब हम इसे डिश आउट कर लेंगे। बिरयानी रेडी हो गई है।